श्री हनुमान जी मुंज का जनेऊ पहनते हैं, ये ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत है। अच्छा, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कैसे बनेगा? ब्राह्मण के यज्ञोपवीत में 96 चौवा का निर्माण होता है, 96 चौवा से बनता है ब्राह्मण का यज्ञोपवीत, और सूत से बनाया जाता है, ब्रह्म गांठ लगाई जाती है, और उसको पहन करके यदि ब्राह्मण एक गायत्री का पुरुष चरण कर दे तो हरे पेड़ को सुखा देगा, इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। छत्री और यज्ञोपवीत का, और वैश्य का यज्ञोपवीत ऊन से बनता है, और छत्री और वैश्य की गायत्री रुद्र गायत्री होती है, ब्राह्मण की गायत्री ब्रह्म गायत्री होती है। ब्राह्मण सूत का यज्ञोपवीत पहनता है। कोई ब्राह्मण पहने हैं? हाँ, सुनिए, झगड़ा होने जा रहा था लेकिन यज्ञोपवीत की वजह से सरेंडर हो गया मामला, झगड़ा नहीं हुआ। कब? भृगु सुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहउ सहउ दिसि रोगी। भगवान परशुराम जी के यज्ञोपवीत को देख करके राम जी ने कहा कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, मैंने आपके यज्ञोपवीत को देख लिया है, अब आप जो कुछ कहोगे हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण के ऊपर वार नहीं करते। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पे न सुराई, वधे पाप अब कीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे, इसलिए वहां पर यज्ञोपवीत का वर्णन है।